ॐ स्त्रां स्त्रीं स्त्रों सह केतवे नमः। मित्रों, ज्योतिष रत्न लाइव के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के अंदर जो 9 ग्रह होते हैं उसमें केतु ग्रह का क्या महत्व है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इसके विषय में आज आपके साथ विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं कि केतु का जीवन में हमारे क्या महत्व होता है केतु ग्रह का ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। देखिए, ग्रहों को कुछ नैसर्गिक कार्य भी सौंपे गए हैं और उनका विचार करना भी यहाँ आवश्यक है। भारतीय ज्योतिष फलित का जो आधार है वो ग्रह हैं, राशियाँ हैं और भाव हैं। इसीलिए ग्रहों, राशियों तथा भावों की संज्ञाओं का ज्ञान होना यहाँ पर अति आवश्यक हो जाता है। भारतीय ज्योतिष में 7 ग्रह होते हैं तथा 2 छाया ग्रहों को स्थान प्राप्त है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र तथा शनि, ये 7 ग्रह हैं तथा राहु और केतु ये छाया ग्रह हैं। तो आइए चर्चा करते हैं केतु ग्रह के विषय में कि केतु हमारे जीवन में किन किन चीज़ों का, उनके ऊपर केतु का आधिपत्य होता है या कितना महत्व केतु का हमारे जीवन में होता है, किन किन चीज़ों को लेकर, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो केतु ग्रह से संबंधित होती हैं। तो देखिए, आइए जानते हैं। दर्द, जो भी पेन होता है, ज्वर, घाव, शत्रुओं को नुकसान पहुंचाना, तांत्रिक, तंत्र विद्या, जादू, टोना, कुत्ता, डॉग, सींग वाले पशु जितने होते हैं, बटुरंगी पक्षी, मोक्ष, अचानक होने वाली घटनाएं जीवन में, अशुभ धार्मिक प्रकृति और सांप्रदायिक कट्टरपंथी, घमंडी, स्वार्थी, ये जो चीज़ें हैं ये केतु ग्रह से संबंध रखती हैं। रोग ऐसे कौन से हैं जो केतु ग्रह से संबंधित होते हैं, आइए जानते हैं। आंतरिक जोड़, चेचक, हैजा तथा संक्रामक रोग, ये केतु ग्रह से संबंध रखते हैं। धातु जो होता है वो अष्ट धातु केतु ग्रह से ही संबंधित होता है। और रत्न जो होता है वो लहसुनिया रत्न होता है जो केतु ग्रह के लिए पहना जाता है और इनसे उसका संबंध होता है लहसुनिया का। दिशा इनकी होती है दक्षिण पश्चिम। तो मित्रों, हमने आज आपको केतु ग्रह के विषय में विस्तार से बताया है कि केतु ग्रह जीवन में किन किन चीज़ों से संबंध रखते हैं और किन किन चीज़ों पर इनका आधिपत्य होता है। और मित्रों, अगर आपके कुंडली के अंदर केतु ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं है तो जितनी चीज़ें हमने आपको बताई हैं ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में वो बुरी तरह से प्रभावित होती हैं और उसका कष्टों का सामना हमें अपने जीवन में करना पड़ जाता है। तो मित्रों, अगर आप नहीं जानते हैं कि आपकी कुंडली में केतु ग्रह की स्थिति कैसी है तो आप हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके ये जान सकते हैं कि केतु आपके कुंडली के अनुसार आपके लिए कितने लाभकारी हैं या फिर यहाँ पर आपको उनसे कितना नुकसान जीवन में उठाना पड़ सकता है या उनके कारण कितने कष्ट आपको जीवन में उठाने पड़ सकते हैं। तो आप हमसे भी विश्लेषण करवा करके जान सकते हैं और क्या ऐसे उपाय हैं कि जिनको करने से उनके द्वारा मिलने वाले कष्टों से हम छुटकारा पा सकें और जीवन में लाभ प्राप्त कर सकें। तो मित्रों, आइए और हमसे परामर्श करके अपने जीवन को सुखद बनाइए। इसी के साथ मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि आप ज्योतिष रत्न लाइव चैनल को लाइक कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा, क्योंकि हमारे आगामी नवीन जितने भी कार्यक्रम हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप समय अनुसार उनका लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ धन्यवाद। जय माता दी।